Welcome guys, welcome back to your own channel options guide. तो स्वागत है आपका एक और शानदार daily marketplace video में, जिसमें हम बात करते हैं आज हमने overall कैसी market देखी, कैसे market ने levels पे work किया and आगे के लिए क्या viewpoint बन रहा है, जो हमने previously कल की video में भी discuss किया था कि मार्केट अभी भी एक रेंज में ट्रेवल कर रहा है, कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है. बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हमने आपको बताया था और एग्जैक्टली वही हमें देखने को भी मिला. एक अच्छी गैप अप ओपनिंग जरूर हुई, मॉर्निंग में एक अपसाइड भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस लेवल से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में. तो जानने वाले पूरा डिटेल एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर कर दे. 300 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, होप आप कंप्लीट कर देंगे. चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं और देखते हैं ओवरऑल क्या मार्केट का सिनेरियो बन रहा है. सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, पहले चार्ट्स पे, फिर ऑप्शन चेन पे एंड लेटर आप में फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे. तो मॉर्निंग में क्या हुआ, काफी अच्छी शार्प गैप अप ओपनिंग देखने को मिली. मॉर्निंग में ही जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो गैप अप ओपनिंग के साथ ही ब्रेक हो चुका था 15,800 एंड उसके बाद हमें एक कंटिन्यूस अपसाइड मूव देखने को मिला. लेकिन 15,900 बहुत क्लियरली आपको प्रीवियसली बताया हुआ था, कल की वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था कि इनकेस अगर 15,800 को कभी ब्रेक भी कर देते हैं तो भी 15,900 बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है. मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर रही है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है. प्रीवियसली हमने यहाँ लाइफ टाइम हाई लगाया था, ऑलमोस्ट उसी के पास आज भी हमने डे हाई लगाया एंड वहीं से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला. रिवर्सल में फर्स्ट टाइम जो लेवल 15,580 वहां तक डिप आया, दोबारा बाउंस बैक, लेकिन अब तक हमारा सुपर ट्रेंड का सेल सिग्नल जनरेट हो चुका था तो पहली बार एंट्री तो नहीं मिली. क्यों नहीं मिली, क्योंकि देखिए सेल सिग्नल जनरेट हुआ, एक कैंडल बनी है, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, इसलिए हमारा ट्रेड यहां तो नहीं बना. लेकिन उसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप का ट्रेड बनता है सुपर ट्रेंड ने, काफी लोगों ने ये ट्रेड भी बनाया, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अपडेट भी किया, परफेक्टली लेवल से शॉर्ट बन रहा था एंड एग्जैक्टली उन्होंने लेवल से ये ट्रेड बना के अच्छा प्रॉफिट अर्न किया. आप देख सकते हैं मार्केट में बाउंस आता है, लेकिन कहां तक, कितनी परफेक्शन के साथ वर्क कर रहा है. हम आपको डेली लेवल्स का और सुपर ट्रेंड का मैजिक दिखाते हैं सिंपल. आपको देखिए कुछ भी चार्ट्स में कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा कि हमने आपके लिए बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्क कर रखे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नहीं, बिल्कुल सिंपल लेवल्स और एक इंडिकेटर मार्क करने के लिए कहते हैं जो आपको परफेक्ट एंट्री देता है मार्केट में. देखिए परफेक्टली मार्केट ने सुपर ट्रेंड पे रेजिस्टेंस ली और वहीं से हमारा रिवर्सल असली डाउनफॉल स्टार्ट होता है. आप देखिए कंटिन्यूस कितना अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है. अब मैं सुपर ट्रेंड को यहाँ हटा देता हूँ और उसके बाद नॉर्मल चार्ट्स पे देखते हैं कि क्या हमें दिख रहा है. तो मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम 15,850 लेवल एज अ सपोर्ट का वर्क कर रहा था, यहाँ भी हमने काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन फाइनली जब ब्रेक हुआ तो एक फिर डिप आया नेक्स्ट लेवल तक, हमारा लेवल था 15,800 एंड फाइनली ये लेवल भी हमने डे एंड में ब्रेक किया और ऑलमोस्ट एक फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग आई है हमारी निफ्टी में. बहुत जो बुलिश मार्केट दिख रही थी, काफी लोगों ने जो 16,200 के टारगेट दे दिए थे, होप उनका रियलिटी चेक हो गया होगा. हमने आपको सिंपली बता रखा है 15,900 इतना इजी नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट में, बहुत ही मेजर, और हमें मार्केट अभी इस रेंज में ही ट्रेवल करती हुई दिख रही है 15,450 से 15,900. प्रीवियसली वहां तक डिप आया था, इस बार फिर से वहां से 15,900 तक बाउंस आया और अभी फिर से हमें एक डिप देखने को मिला. और क्लियर कट आपको कहा था कि लेवल्स को फॉलो करना है, प्री अजम्पशंस के साथ ट्रेड नहीं करना. जो लोग इतनी बुलिश होने की बातें कर रहे थे कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, 16,000 इसी एक्सपायरी में आ जाएगा, 16,200 भी आ सकता है, तो होप उन सबको आंसर मिल गया होगा. आपको सिंपली लेवल्स को फॉलो करना है और इंट्राडे मार्केट के लिए सुपर ट्रेंड को जरूर मार्क करके रखे. परफेक्ट डे था लेवल्स और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग, होप आपका दिन भी अच्छा गया होगा, लेकिन आगे के लिए क्या व्यूपॉइंट बन रहा है. तो अभी भी हमने आपको बताया हुआ है कि कोई ब्रेकआउट नहीं है मार्केट और अभी एक रेंज में ही ट्रेवल करेगी, बोथ साइड मूव कर सकता है. बोथ साइड मूव आज किया भी मार्केट ने, मॉर्निंग में क्लियर कर अपसाइड गए हम, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वहां से कंटिन्यूस डाउनफॉल देखने को मिला. तो बोथ साइड मूव देखे हमने मार्केट में और आगे भी ऐसा ही एक्सपेक्टेड है. मार्केट में कोई सिंगल डायरेक्शनल व्यू नहीं है अभी, एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेड है और वैसे ही मूव हमें देखने को मिल रहा है. तो आपको लेवल्स को फॉलो करना है सिंपली. तो लेवल्स है क्या एग्जैक्टली, तो अभी मार्केट की क्लोजिंग दोनों लेवल्स के मिड में आई है, तो इमीडिएट मार्केट में फिर से 15,800 एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा. मॉर्निंग में जरूर ब्रेक किया था गैप अप ओपनिंग के साथ, लेकिन क्लोजिंग इसके बिलो आई है तो फिर से ये लेवल बन जाता है एज अ रेजिस्टेंस का. उसके बाद लेवल है 15,850 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 15,900, ये हमारे अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल है. सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा, सपोर्ट में फर्स्ट लेवल है
15,730 हमारा, उसके बाद इंपॉर्टेंट जोन है लोअर साइड 15,630 से 15,650, ये हमारे ओवरऑल लेवल्स होने वाले हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट्स पे भी हो चुका है, लेवल हमने आपको बता दिए थे। ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि वो क्या बता रही है, क्या डाटा में कुछ चेंज हुआ है या अभी भी रेजिस्टेंस लेवल सेम है। अगर इंट्राडे में देखेंगे तो 15,800 ब्रेक हो चुका था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही गजब का ओआई एडिशन हो चुका था, मोर देन 40,000 पोजिशन का ओआई हमें पुट साइड ऐड होता हुआ दिखा था इंट्राडे में, लेकिन डे एंड में वहां से अनवाइंडिंग भी स्टार्ट हुई और वो 40,000 से डे एंड में रह गया सिर्फ 18,000 ओआई का एडिशन, और ओवरऑल ओआई है ऑलमोस्ट 40,000। एंड आप कॉल साइड ओआई देखिए ऑलमोस्ट 70,000 का, तो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस 15,800। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारा जो हमें नहीं लगता मार्केट इस एक्सपायरी में ब्रेक करने वाली है 15,900, जिसमें कॉल साइड ओआई है 77,000 एंड पुट साइड ओआई है ओनली 13,000। तो एक बहुत मेजर गैप है यार, 60,000 से ज्यादा का ओआई का गैप है यहाँ पे, और 60,000 तो हमें कहीं पोजीशन भी नहीं दिख रही है पुट साइड, टोटल ओआई भी नहीं दिख रहा कहीं पे, तो बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, 15,900 ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लियर कट मार्केट यही बता रही है। जो 16,000 के सपने देख रहे हैं उन्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अभी। तो ये हो गया रेजिस्टेंस की बात, अब सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 15,700 पे सपोर्ट है, पर कोई बहुत मेजर सपोर्ट नहीं है, स्लाइटली यहाँ पे पुट साइड ओआई ज्यादा हो चुका है। ओवरऑल देखेंगे तो 8,000 का गैप मिल रहा है, हम जनरली 14-15,000 का ओआई का गैप ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 8,000 का गैप है। 15,600 पे हमें एक अच्छा डिसेंट सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में, ओवरऑल ओआई हमें पुट साइड दिख रहा है 44,000 एंड कॉल साइड दिख रहा है 16,000, तो एक अच्छा डिसेंट 28,000 ओआई का गैप मिल जाता है। तो 15,600 पे एक मेजर सपोर्ट है इस वीक के लिए, और मेजर रेजिस्टेंस फर्स्ट लेवल है 15,800, और जो लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए वो है 15,900, ये हमें ऑप्शन चेन बता रही है। तो ये बात हो गई निफ्टी की, अब चल लेते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे कि बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, 35,000 मॉर्निंग में ही हमने ब्रेक किया, एक क्लियर कट अपसाइड मूव देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे हमने लेवल को टेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के गैप से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, उसके बाद एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड देखने को मिला मार्केट में, और यहाँ पे भी जैसा मैंने अभी आपको बताया सुपर ट्रेंड ने क्या परफेक्ट ट्रेड दिया है। अब देखिए पिन पॉइंट लेवल तक आई मार्केट, सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वहां से क्लियर कट डाउनफॉल, इतना अच्छा फॉल मोर देन 300 पॉइंट्स का एग्जैक्ट लेवल से। एक बार मैं सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ ताकि हम नॉर्मल चार्ट्स पे देखें कि एग्जैक्टली मार्केट ने लेवल्स पे फर्दर कैसे वर्क किया। तो यहाँ देखिए 35,000 पे भी मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, जब सपोर्ट लेवल था ये, तो इसने सपोर्ट का काफी देर वर्क किया है, मार्केट ने काफी टाइम इस लेवल पे स्पेंड किया, फाइनली जब ब्रेक हुआ तो हम एग्जैक्टली लोअर लेवल तक आइए, देखिए 35,000 ब्रेक हुआ, क्लियर कट डाउनफॉल, और यहाँ देखिए पिन पॉइंट किस लेवल तक 34,800, और वहां से फिर अपसाइड पिन पॉइंट दोबारा लेवल तक 35,000, अब ब्रेक हो चुका था तो बन जाता है एज अ रेजिस्टेंस का लेवल परफेक्टली, यहाँ दोबारा डबल कंफर्मेशन का ट्रेड बनता था। कल भी जैसे हमने एक डबल कंफर्मेशन वाला ट्रेड बताया था आपको, आज भी देखिए एग्जैक्टली लेवल था रेजिस्टेंस का, सुपर ट्रेंड का भी रेजिस्टेंस था, तो परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड बन रहा था, और उसके बाद गजब का फॉल हमें डे एंड में भी देखने को मिला, यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और बैंक निफ्टी में भी हमने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ट्रेवल कर रही है, जो बुलिश मार्केट की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा 35,400 के अबव, हमें ब्रेकआउट मिला ही नहीं मार्केट में, तो अभी भी रेंज बाउंड मार्केट के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, लेवल्स को फॉलो करना है, बिल्कुल परफेक्ट पिन पॉइंट वर्क करना है, सुपर ट्रेंड भी और लेवल भी देखिए 35,000 टू 34,800 पिन पॉइंट लेवल है यहाँ पे, और दोबारा बाउंस में भी एग्जैक्टली 35,000 तक गई, वहां से दोबारा रिवर्सल आया और क्लियर कट डाउनफॉल। तो ये ओवरऑल इंट्राडे मार्केट हो गई, जहाँ फिर से आपके लिए अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी अगर आपने राइट ट्रेड का वेट किया होगा। रैंडम ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, हमेशा कहते हैं लिमिटेड ट्रेड्स लो एंड राइट एंट्री का वेट करो, ठीक। तो ये इंट्राडे मार्केट हुई, तो अब आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल रेंज बाउंड मार्केट ही एक्सपेक्टेड है, जब तक अपसाइड 35,400 ब्रेक नहीं होता या फिर लोअर साइड 34,000 लेवल ब्रेक नहीं होता, ये हमारी ओवरऑल 1400 पॉइंट्स की रेंज है और इसी में बैंक निफ्टी ट्रेवल करेगा। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, इन दोनों लेवल्स के मिड में मार्केट क्लोज हुई है, तो इमीडिएट सपोर्ट 34,600, उसके बाद लोअर साइड सपोर्ट आता है 34,450 एंड 34,250, ये हमारे लोअर साइड सपोर्ट लेवल्स होंगे। रेजिस्टेंस
फर्स्ट लेवल है 34,800 अब, एंड उसके बाद 35,000, ये दोनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल होने वाले। मार्केट में क्लियर कट एक डायरेक्शन होती है तो हम आपको डायरेक्शनल व्यू देते हैं, लेकिन अभी मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट। आप देखिए, एक दिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, एक दिन गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप अप ओपनिंग के बाद सेल ऑफ देखने को मिल जाता है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट सिंगल डायरेक्शन में मूव बिल्कुल भी नहीं कर रही है। टारगेट जो हमारे थे वो सारे अचीव हो चुके हैं, अब हमें फ्रेश ब्रेकआउट को वेट करना है सिंगल डायरेक्शन मूव के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की और वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।